गाइस वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में रामेश्वरम के कुछ बहुत ही ज्यादा सुंदर जगहों को कवर किया था, वैसे ही आज की वीडियो भी रामेश्वरम की एक बहुत अनोखी जगह के लिए होने वाली है जिसका नाम है रामरपाथा। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि यहाँ पहुँचना कैसे है, क्योंकि ये मंदिर बिल्कुल रामेश्वरम के सेंट्रल में ही है। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए आप कोई भी ऑटो ले सकते हैं या बस से आ सकते हैं, पर अगर आप बस से आते हैं तो बस आपको मेन एरिए पे नहीं छोड़ती, आपको मेन रोड पे ही उतार देती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ऑटो से आइए ताकि आप मेन लोकेशन तक पहुंच सके, आपको मंदिर ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। सिक्कू से चिंबू है तू। यहाँ आपको बहुत सारी गाय दिख जाएगी ऐसे घूमती हुई, तो आप उनको खिलाने के लिए यहाँ से कुछ फल सब्जियां ले सकते हो, आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा इन्हें खिलाकर। तो ये जो मंदिर है ये छोटे से पहाड़ के ऊपर बना है। ये मंदिर की ऊंचाई का अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं जैसे कि ये दूसरे माले पर है। इस मंदिर में ऊपर जाने के लिए 25 सीढ़ी है जिनको चढ़ के ऊपर जाना होता है। और आपको बता दूं इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है, हमारे वेदों में मिलता है। यहाँ भगवान श्री राम और सेना थी उनकी, वो यहाँ पे विश्राम करने आते थे, और चूंकि यहाँ से श्रीलंका पास है इसीलिए वो आगे जाने की अपनी पूरी योजना यहाँ पे बैठ के बनाया करते थे। ये सारी चीजों का उल्लेख ना रामायण में मिलता है। और यहाँ है भगवान श्री राम जी के पैरों की छाप, इसे देख के तो मेरा मन मंत्र मुग्ध हो गया, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। कितने कोमल कोमल पैर देखे मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके ऊपर भी एक फ्लोर है जिसे मंडपम बोलते हैं। यही वो जगह थी जहाँ पे हनुमान भगवान ने सीता माता को देखा था और यहाँ से लंबी छलांग लगाई थी श्रीलंका के लिए। ये मंदिर ना क्योंकि पहाड़ पे इसलिए यहाँ से ना पूरे रामेश्वरम की ब्यूटी आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे तो क्या यहाँ की प्योर हवा, क्या यहाँ का दृश्य, एकदम मंत्रमुग्ध करने वाला है। और यहाँ से आप 100 रुपीज में कुछ टाइम के लिए बिनोक्युलर्स ले सकते हो, यानी कि दूरबीन ले सकते हो रेंट पे, कुछ घंटों के लिए देते हैं भैया। तो अगर आप भी रामेश्वरम आने का प्लान कर रहे हैं तो इस मंदिर में जरूर आइएगा, मंदिर में जरूर आकर अपने दर्शन को पूरा करिएगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और अपने कोई भी सवाल या सुझाव हमें कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।